नशा तस्करों पर पुलिस का शिकंजा। नशा तस्करी के आरोप में मां बेटे को किया गिरफ्तार। पुलिस ने बीगढ़ रोड से किया गिरफ्तार। दोनों के कब्जे से लाखों रुपए कीमत की 100 ग्राम हेरोइन की गई बरामद। बेटा दिल्ली से लाता था हेरोइन, मां करती थी सप्लाई। फतेहाबाद में नशा लगातार हावी होता जा रहा है। पुलिस नशा तस्करों पर काबू पाने के लिए जितना प्रयास कर रही है, नशा तस्करी उतनी ही तेजी से युवाओं की नसों में जहर उतार रही है। पुरुषों के साथ साथ अब महिलाएं भी नशा तस्करी करने में सामने आने लगी हैं। शहर की पुलिस ने नशा तस्करी करने के आरोप में एक मां बेटे को काबू किया। पुलिस ने दोनों आरोपियों के कब्जे से लाखों रुपए कीमत की 100 ग्राम हीरोइन की गई बरामद। बताया जा रहा है कि पकड़ी गई हेरोइन की बाजारी कीमत करीब 5 लाख रुपए है। पुलिस की पूछताछ में खुलासा हुआ है कि पकड़े गए मां बेटे में से बेटा दिल्ली में बैठे नशे तस्करों से नशा खरीद कर लाता था और यहां मां और उसके दो बेटे मिलकर सप्लाई करते थे। पुलिस ने आरोपी मां बेटे को काबू कर उनके खिलाफ NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है। शहर थाना प्रभारी ने बताया कि आरोपियों को आज कोर्ट में पेश किया जाएगा और रिमांड की पेशकश की जाएगी ताकि आरोपियों से पूछताछ की जा सके। रात की बात है जी, रात को हमने हमारी CIA की टीम थी, ऐसे भूपिंदर की टीम के साथ था, तो मिनी बाईपास पर माँ बेटा दो को पकड़ा, बाइक से पकड़ा, उनके पास 100 ग्राम हेरोइन बरामद की गई है, तो जिनके खिलाफ अभियोग अंकित कर लिया गया है। तो इनका लड़का दिल्ली से लेके आता है जी, ये तीनों जने यही काम करती थी, लड़का ले गया तो ये आगे सप्लाई करते हैं जिसकी, तो दोनों को अरेस्ट कर लिया गया, उनके खिलाफ अभियोग अंकित कर लिया गया है। इसके वजह से लड़के को अरेस्ट किया जाएगा, जल्द से जल्द अरेस्ट कर लिया जाएगा उसको। और इसके अलावा एक 3 ग्राम और पकड़ी एक स्कूटी से, और इसके अलावा एक 200 ग्राम गांजा और भी पकड़ा गया जी। ये काठ मंडी के रहने वाले हैं जी, सिस्टम इनका यही है, इसको बेच के पैसे कमाना चाहते हैं, पैसे कमा रहे हैं। अब अभी पूछताछ में यही सामने है, अभी काफ़ी दिनों से ये काम कर रहे हैं, लड़का इनका लेके आता दिल्ली से।